अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद है कि आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप, जापान स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल देना है कि वो क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। जैसा कि ये आप सामने देख रहे होंगे, ADB-Japan स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो तकरीबन 3,523 26 पीपल्स को जो सिलेक्ट करेगा 37 ADB कंट्रीज से, मतलब के 37 कंट्रीज से उन्होंने जो बच्चे सेलेक्ट करने हैं वो 3,526 यंग स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो सिलेक्ट करेगा इस स्कॉलरशिप के लिए। इस स्कॉलरशिप की टोटल अमाउंट है, ये आप इस एडवर्टाइजमेंट में देख रहे होंगे, $178 मिलियन टोटल कंट्रीब्यूशन है। स्कॉलरशिप्स बाय जेंडर्स कितने परसेंट है, 63% जो है मेल की एक्सेप्टेंस रेशियो है और 37% फीमेल की। अब स्कॉलरशिप बाय फील्ड ऑफ स्टडी कितने परसेंट, कहाँ पे लोग सिलेक्ट होंगे, 21.6% बिजनेस एंड मैनेजमेंट वालों के होंगे, 43.0% साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होंगे, 25.5% इकोनॉमिक्स के होंगे और 9.9% लॉ स्टूडेंट्स के जो हैं वो लोग सिलेक्ट होंगे। अब 29 पार्टनर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, ये कौन कौन से ये मैं आपको बताता चलता हूँ। अब अगर आपने स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी डिटेल जाननी है तो हमारा एक ग्रुप भी है और चैनल भी है इसी नाम से, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कैरियर्स हेल्प डेस्क के नाम से ही हमारा ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने डिटेल ऑलरेडी अपडेट की हुई है। देयर आर एशियंस डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप गिव्स फुली फंडेड फॉर PhD एज वेल एज मास्टर एम फिल डिग्रीज फॉर द पीपल हु हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री। इस स्कॉलरशिप के लिए ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उन्हीं लोगों को इस स्कॉलरशिप के लिए प्रेफर किया जाएगा। जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए भी देखा होगा, वहाँ पे भी ये चीज़ मैंशन थी कि आपका जो है 3 ईयर या मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस लोगों को जो है प्रेफर किया जाएगा। फुली फंडेड मास्टर PhD स्कॉलरशिप है, तकरीबन सारी फील्ड्स हैं, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जो यहाँ पे गिवन ना हो। तो हर साल जो है 300 स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज सेलेक्ट किए जाते हैं, और जो है पाकिस्तान में से तकरीबन जो है 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर, क्योंकि टोटल स्कॉलरशिप की अमाउंट मैं बता चुका हूँ अब कितनी है, 3,526 स्टूडेंट्स जो हैं उसने 37 कंट्री से जापान ने सेलेक्ट करने, ऑफिशियल जो स्कॉलरशिप है वो जापान का है। प्रोग्राम ऑफर्ड बाय दी ADB-Japan आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड्स, इंक्लूड्स एवरी फील्ड सच एज पब्लिक हेल्थ, MBA, मैनेजमेंट, पॉलिसीज, एग्रीकल्चर एंड ऑल टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड्स। कंट्रीज वेयर यू कैन स्टडी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन इन दैम यू कैन चेक इन द लिंक, जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं उनके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, हांगकॉन्ग, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड US है। अब यहाँ पे ये सबकी डिटेल दी हुई है, जैसा कि मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं कौन कौन से, उनका यहाँ पे एड्रेस भी है, अप्रूव्ड फील्ड ऑफ स्टडी कौन कौन सी स्टडीज़ यहाँ पे हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट और जी नॉर्मल जो उनकी डेडलाइन है वो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे बिल्कुल जो है लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की जो जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। इसी तरीके से हांगकॉन्ग, आप यहाँ पे हांगकॉन्ग का भी देख सकते हैं, जब आपने हांगकॉन्ग पे क्लिक किया तो ये हांगकॉन्ग की यूनिवर्सिटीज़ आ गया, सेम वैसे ही कौन कौन सी उसमें फील्ड्स हैं और क्या उनकी डेट है, जैसे कि इनटेक सितंबर है, डेडलाइन इसकी जनवरी है, ऐसे ही आपका इंडिया, ये इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, ये जापान जहाँ का स्कॉलरशिप है जापान का है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये उसका प्रोग्राम है और उनकी डेडलाइन है, इसकी डेडलाइन अप्रैल है, इनटेक इसका अक्टूबर है, ऐसे ही यहाँ पे ये जापान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे गिवन है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं। ऐसे ही जो है आप पाकिस्तान की भी एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के अंदर अप्रूव्ड है, जो आप पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकें। तकरीबन सारी जो हैं जापान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, US है, आप इन सब में जो है यहाँ से जिसमें भी आप करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के अंडर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कहाँ पे कर चलते हैं, यू कैन गेन एडमिशन PhD इन द सेम फील्ड एंड प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटीज दैट हैव बीन मेंशन फॉर मास्टर्स, मतलब कि
जो मास्टर्स के लिए गिवन है वही प्रोग्राम्स पीएचडी के लिए भी गिवन है। एप्लीकेशंस आर ओपन ईयर राउंड, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डेडलाइन है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाई, किसी की फेब है, किसी की मार्च है, किसी की अप्रैल है और किसी की जनवरी भी है। आप यहाँ पे चेक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड किए जाते हैं, मैं उनका भी दिखाता चलता हूँ आपको, कौन कौन से क्वेश्चंस किए गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से राइज होते हैं जो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि अब ये है, व्हाट इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, यहाँ पे इसकी जो है गिवन है, लिंक भी हमने दिया हुआ है कि ये स्कॉलरशिप कब स्टार्ट हुआ, किसके लिए होता है और इसका पर्पज़ क्या होता है। व्हाट डज दिस स्कॉलरशिप कवर, ये स्कॉलरशिप पे आपका क्या क्या चीज़ कवर करेगा, मतलब कि इस स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है। फुल ट्यूशन फीस, मंथली सब्सटेंस इन हाउसिंग अलाउंस, मतलब कि मंथली स्टाइफंड आपको दिया जाएगा, एंड अलाउंस फॉर बुक्स एंड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ये अनाउंस किया जाएगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप अवार्ड, ये कौन सा है। स्कॉलरशिप फॉर द वन ईयर विद एन एक्सटेंशन टू द सेकेंड ईयर ऑफ स्टडी एज अप्रोप्रिएट विच शेल बी कंडीशनल ऑन द स्कॉलर मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मतलब कि जो स्कॉलरशिप है मिनिमम वन ईयर और मैक्सिमम टू ईयर के लिए अवार्ड होगा फॉर मास्टर एंड थ्री ईयर फॉर डॉक्टर प्रोग्राम, और ये कंटिन्यू भी हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही ओवरऑल तो, जैसा कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए होता है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल ऑफ द ADB प्राउजिंग मेंबर, कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो उसके मेंबर्स हैं उसके होने चाहिए। गेंड एडमिशन टू एन द अप्रूव्ड MA PhD कोर्स, आपने जो है उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट टू ईयर फुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो मोर देन 35 ईयर आप हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो, शुड एग्री टू रिटर्न टू हिज होम कंट्री आफ्टर कम्प्लीशन, मतलब कि आपने एग्रीमेंट करना है कि आप स्कॉलरशिप के बाद वापस अपने कंट्री जाएंगे। अच्छा जी, और ये सिंपल वही चीज़ हैं जो आपके सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो नहीं करते आपने सारा कुछ वही कर लेना है। व्हाट आर द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से हैं जो स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट है जो मैंने वहाँ पे भी आपको कंट्रीज वाइज दिखाई है। यहाँ पे देखें, क्रॉफोर्ड स्कूल है, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, हांगकॉन्ग, चाइना, ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो वहाँ पे कंट्री वाइज भी मैंने आपको दिखाए। कैन आई अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, क्या आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। नो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उनके लिए है जो ऊपर आपको यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज गिवन है, इसके अलावा आप किसी में नहीं कर सकते। व्हाट आर द प्रोग्राम्स कवर्ड, कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम कवर्ड होंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया। वहाँ पे इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंटल है। कैन आई अप्लाई फॉर कोर्स नॉट लिस्टेड एज अप्रूव्ड, जो इसमें नहीं है फील्ड, क्या आप उसमें कर सकते हो, लोगों को क्वेश्चन होते हैं, नहीं आप उस प्रोग्राम में नहीं अप्लाई कर सकते। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द अप्लाइंग, इसका प्रोसीजर क्या है। अब यहाँ पे ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेंट शुड रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स फ्रॉम द चूजन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है आप उनसे जो है इन्फॉर्मेशन लोगे, उनको आप जो है ईमेल के थ्रू या जैसे भी कनेक्ट करेंगे कि मैंने स्कॉलरशिप को एंटर करना है तो मुझे उसका क्राइटेरिया बताएं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन, अपना लिंक और अपना पोर्टल होता है अप्लाई करने का, और रिसोर्सेज भी होते हैं। एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू एक्सेस वेरियस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन वेबसाइट, हैंडबुक एंड इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन सेशन। एप्लीकेंट्स शुड इंडिकेट टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दैट दे आर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन एंड दैट दे वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड, मतलब कि आपने जो है उनसे कॉन्टैक्ट करना है और उनको बताना है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर, कि आप जो हो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी जो फंडिंग होगी, फंडिंग ऑफ सोर्स होगा, वो कौन कवर करेगा, ADB जापान स्कॉलरशिप। आपने जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसा कि एडमिशन पोर्टल पे होता है, और वहाँ पे आपने इस स्कॉलरशिप को मेंशन करना है कि हम इस स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं। एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन विल स्क्रीन एंड रैंक द एप्लीकेंट्स, मतलब कि अब जब अप्लाई कर लेंगे तो जो वो इदारा होगा वो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करेगा और रैंकिंग के हिसाब से आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में उसको मीट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है विल रिव्यू द सबमिशन फॉर्म फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड रिकमेंडेड, जो इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन को रिकमेंड करेगा उन स्कॉलरशिप कमेटी को, तो वो आपकी जो है एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे अपॉन अप्रूवल टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जापान। फिर जो है जापान के जो डायरेक्टर इस चीज़ को डील कर रहे हैं वो आपका जो है उसको फाइनल उसको करेंगे, रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है जो जो यहाँ पे गिवन है,
और वहां पे आपने सेलेक्ट करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका एज अ फंडिंग सोर्स आपने सेलेक्ट करना है। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट की आप जो मस्ट कर रहे हो, प्रायोरिटी टू द रैंकिंग और ऑर्डर ऑफ द मेरिट, मेरिट पे सब कुछ किया जाएगा, एप्लीकेंट्स विद लेस देन 2 ईयर्स ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी सिलेक्टेड, जिसके एक्सपीरियंस नहीं होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, परफॉर्म प्रेफरेंस टू वुमेन कैंडिडेट्स, वुमेन को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, प्रेफरेंस टू एप्लीकेंट्स विद लेसर फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका लो है उनको प्रेफर किया जाएगा, जो लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। द प्रोग्राम विल इन प्रिंसिपल नॉट सपोर्ट एप्लीकेंट्स हु हैव प्रीवियसली स्टडीड अब्रॉड, जो पहले अब्रॉड पढ़ चुका है किसी स्कॉलरशिप में वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, सेंड एप्लीकेंट्स फॉर द स्कॉलरशिप एट लीस्ट 6 मंथ प्रीयर टू द प्लान टाइम दैट यू विश टू कनेक्ट कंसर्न स्टडीज। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होते हैं या स्कॉलरशिप्स नहीं, जो एडमिशन होते हैं, जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड, वो सितंबर इनटेक होता है, मतलब कि सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो सितंबर से 6 मंथ पहले अगर आप देखें तो आप अप्रैल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके पास डेडलाइन इस वक्त मौजूद है। वेयर कैन आई गेट द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये है, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म इन MS वर्ड और द PDF एंड द कॉपी फोटोकॉपी देम, यहाँ पे जो है आपको गिवन है, आप यहाँ से इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम, क्या आप इसी स्कॉलरशिप के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अलावा ज़्यादा में कर सकते हैं, बिल्कुल आप एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इज देयर एनी एज लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या कोई लिमिट है, बिल्कुल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपकी 35 ईयर, और अगर आप PhD प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 45 ईयर्स। कवर फंडिंग फॉर द सेमिनार्स, क्या ये स्कॉलरशिप फंड सेमिनार्स को फंड करेगा, नहीं करेगा। अलाउंस फॉर डिपेंडेंट, नहीं, ये आपको डिपेंडेंट को कोई अलाउंस नहीं देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर वेन अप्लाइंग फॉर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने कंसिडर करने हैं या आपने अपने सामने रखने हैं कि अप्लाई करते हुए, नो सेपरेट एप्लीकेशन टू द ADB इज नेसेसरी, कि आपने सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देनी, कंप्लीटेड एप्लीकेशन शीट होनी चाहिए, ओनली कैंडिडेट्स हु हैव बीन ऑफर्ड एडमिशन एंड इंडोर्स्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो लोग अप्लाई करें जिनको किसी फॉरन इन यूनिवर्सिटीज में से एडमिशन सिक्योर हो चुका है, ऑफर लेटर मिल चुका है। तो आपने ये देखनी है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द ADB, एड्रेस यहाँ पे आपको गिवन है, वहाँ पे भी गिवन है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट करना है, उन्होंने आपको अपने नंबर्स गिवन है, ईमेल गिवन है और उनका पूरा एड्रेस भी गिवन है। अब इनका जो है इंफॉर्मेशन है, जो फॉर्म है वो भी आपको दिखाता चलूँ, ये जो है इनका एक फॉर्म है जो आपने फिल करना है, इंफॉर्मेशन शीट है, जैसा कि यह एक किस्म का एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ से आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद जो आपने फिल करना है, ये आपका सिंपल जो है स्टडी प्लान है, एकेडमिक्स बैकग्राउंड है, ये एक एप्लीकेशन जनरल सा फॉर्म है जो आपने इसको फिल करना है। व्हाइल द स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड मोस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ये सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसा कि ये हमारा ग्रुप है कैरियर्स हेल्पलेक्स, यहीं पे यूनिवर्सिटीज कोर्सेज एंड ऑफरिंग इन दी सी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई है। अगर आपने ज़्यादा ही इसको देखना है, इसके बारे में डिटेल आपको चाहिए कि क्या करना है, तो यहाँ पे एक लाफर प्रोग्राम यहाँ पे ये गिवन है, जब आप क्लिक करेंगे लिंक, इस लिंक पे आप जो है, वैसे तो अगर आप ये गूगल पे भी लिखें एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप, तो ये आपको जो है ना साइट ओपन हो जाएगी, इनकी ऑफिशियल साइट है, ये देख रहे होंगे आप ADB.org एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे जाके कैरियर्स पे क्लिक करें, कैरियर्स में जाने के बाद जब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे करेंगे तो लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड एलुमनी एसोसिएशन, ये सब यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके पास इन कंट्रीज से या इन यूनिवर्सिटीज से एडमिशन ऑफर हैं, अगर नहीं है तो वो अप्लाई करें और इस स्कॉलरशिप में भी सिक्योर करें, क्योंकि पाकिस्तान से तकरीबन 300 स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और इसकी रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली तौर पे पुअर हैं, या अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते नहीं कर सकते पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि वो बाहर की अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी से जो है अपना एडमिशन और अपनी जो है स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के काम आएगी, और अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं जो हम अपलोड करने जा रहे हैं,
या इसी ग्रुप का, इसी चैनल का हमारे पास ग्रुप है फेसबुक में, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैरियर्स हेल्प डेस्क। और यहाँ पे ये हमारे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, स्कॉलरशिप को कर रहे हैं, जॉब्स को कर रहे हैं, गाइडलाइंस हैं, डिस्कशंस हैं, कैरियर काउंसलिंग है, एडमिशन्स है, मोटिवेशन इंस्पायरेशन भी हम पार्ट टाइम जो है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई इशू है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके हमें यहाँ मैंशन कर सकते हैं, हमारी वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम हमें जितना पता है या जितना हम जानते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो है ना आप लोगों को उस हवाले से गाइड कर दें, गाइडलाइन दे दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे लोग, हम जैसे लोग जो हैं अप्लाई कर सकें और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।